कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? ले रहा है क्या? डीआरएल टाउनशिप बनेगा यहाँ, उसी का काम हो रहा है। सुन, ये इलाका नो डेवलपमेंट जोन है, रिजर्व फॉरेस्ट, या इंसानों का आना मना है। चलो निकलो, बोला ना निकलो निकलो। इंसान नहीं आ सकते तो तुम कौन हो? भगवान बंदे से। ए, ये क्यों चिल्ला रहा है? उस दिन भी ऐसे ही चिल्ला रहा था, फिर जाकर उस जंगली को लेकर आया था। सर ये काम नहीं करने देगा। काम नहीं करने देगा? यहीं ठहरो। सर अरे, अरे सर ये
अटैच कर दिया यहाँ पे। बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा था ना यहाँ चीन भी टोक नहीं सकते, यहाँ जो घर है और यहाँ जाली लगा रखी है, इतनी भी समझ नहीं है? हेलो, मुझसे बात करो, मैं डीआरएल का लॉयर हूँ। तुम जो भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है? भाई ये जगह डीआरएल ने खरीदी है इसीलिए जाली लगाई है, इसमें वो हाथी घुस जाए तो हमें एक दूंगा तुम्हें। तुम उनकी जगह में आके रोक जमा रहे हो और उनको रोक रहे हो, ये पिछले 100 सालों से उनका रास्ता है, तुम्हारा नहीं। सर, दिस प्लेस इज लीगली रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ डीआरएल, सी द डॉक्यूमेंट। असली साथ बारह चेक करो। क्यों चेक करें, तुम्हारे दादा की जागीर है। हाँ, मेरी दादा की जागीर है। 1956 में सवा हाथ पहाड़ से लेकर बंजारा पर्वत तक पूरे 16 किलोमीटर, और वहां से लेकर असनी नदी के किनारे तक 12 किलोमीटर, और फिर असनी नदी से आगे अक्षयताल तक पूरे 20 किलोमीटर, और उससे भी आगे लगभग 90 किलोमीटर तक की जमीन मेरे दादाजी ने सरकार को दी थी संभालने के लिए, ऐसे नकली पेपर बनवाकर हड़पने के लिए नहीं। देखो 10 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद अगर यहाँ कोई दिखा वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा। चलो। अरे आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज, रेस्ट मिनट खत्म हो गई, चलिए। यार मैं रमाकांत शर्मा इतना बड़ा लॉयर हूँ, वो कह रहा है उसके पुरखों की जमीन है, मंत्री जी को फोन लगाओ। So they grab your land and illegally registered your property. Sir, इस इशू पे डिटेल्ड इंटरव्यू मिल सकता है? हाथियों के घर में इंसानों की घुसपैठ, you have got to put a day like this. जाओ। पिज्जा बहुत पसंद है मामे। हाँ, छोटू के लिए वेज सुप्रीम, मैरिनेटेड राना फुल्ली लोडेड लंच। क्या छोटू, एक्स्ट्रा लंच? लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। और मेरे लिए इटालियन, नेपोलियन, चिकन पिज्जा रेगुलर? मीडियम। मीडियम। और भांजे हमारे लिए? तो अंदर जाओ, देखो अगर जहर वहर मिलता है तो खाओ और निकल लो। अरे जहर का क्या जरूरत है, यही सब खाते रहेंगे ना तो एक दिन ऐसे ही ऊपर निकल जाएंगे। कैसा लगा छोटे? कान से खून आ गया है? ऐसे बोल रहा है साहब जैसे रिकॉर्डिंग से वापस आया है, और ई रहमान साहब बोल रहा है बहुत अच्छे। बाबू मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जब एक साथ गाएंगे तो कैसा आवाज आएगा, वैसा मीठा आवाज है तुम्हारा। कहाँ जा रहा है, गुस्सा आ रहा है तुमको? मदद करना चाहता है। Just a minute. लगा। ये मेरा जंगल है, यहां कोई नहीं आ सकता, दबा हो जाओ। आते जाते रहिएगा मैडम। भांजे, अरे भांजे, अरे एक अनजान लड़की ने तुमको मारा, तोड़ा, मरोड़ा, झिंझोड़ा, और तुम जो है खंबा देखकर टांग उठाकर कुत्ता की तरह खड़ा। ए बाबू, अरे देखो हम उस लड़की का ना, अरे उस लड़की का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। ओए, हमको रोकना नहीं भांजे। क्या बोले तुम छोटू को, सुने हम? इज इट मामा, अगला 6 महीना चैन की नींद सुलाएंगे आईसीयू में।
बक बक बंद। वंदे हाजिरो। शर्मा प्रोसीड। मैम, वंदेव सरकारी ऑफिस में घुसे और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से मारपीट की। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन पर दफा 307 लगाई जाए। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैम, इट्स अ क्लियर केस ऑफ 76/106 पेशेंट। व्हाट इज 76/106? मैम, इट्स अ डिजीज कोड जो इंसान को मनुष्य जाति से डिटैच कर देता है, जिसमें इंसान पक्षियों और जानवरों से बातें करने लगता है और वही उसकी आदत बन जाती है और एक तरह बिहेव करने लगता है। साइलेंस। लेकिन जब कभी किसी इंसान को देखता है तो हाइपर एक्टिव हो जाता है, अपना ये मारेगा और एकदम वायलेंट हो जाता है और जंगली जानवर वकील भी मार खाएगा, देखना। मैम, इफ यू लीव हिम आउट ही विल बी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। और मैम, ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इसने जानवरों का इस्तेमाल करके लोगों को डराया है, धमकाया है। तो मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें किसी मेंटल असाइलम में भेजा जाए और वहां इनका अच्छे से इलाज किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या बोला? नो मेंटल। देश को बर्बाद तुम कर रहे हो और मुझे मेंटल कह रहे हो। मार डालूंगा सबको। वंदे जी, सवारी अपने आप मारेंगे क्या? हाँ मारूंगा। साइलेंस। किसी को मैं छोड़ूंगा। साइलेंस आई से। मुलजिम वंदेव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अदालत डिसीजन लेने से पहले उसे 2 महीने इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखती है। दो महीने के इलाज के बाद मुलजिम को 1 महीने जेल में रखा जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। टेक हिम अवे। तुम भी क्या हो क्या? कितने पैसे लिए? बोलो कितने पैसे लिए? बोलो। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक दिन का भी ले जाने नहीं दूंगा। वो मेरा जंगल है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा जंगल है। मिनिस्टर को फोन लगाओ। जंगल काट रहा है, दीवार बना रहा है। They're all thieves, scoundrels, killing our elephants. जंगल काटोगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? छोड़ो मुझे। कान खोल कर सुन लो। 50 साल से मैं उस जंगल की देखभाल कर रहा हूँ। लाख कोशिश कर लो, मैं वहां टाउनशिप बनने नहीं दूंगा। बंदेव का पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने जज के साथ बदतमीजी की, इसलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए पागलखाने ले जा रहे हैं। पागल कौन? जानते हो, इस गांव के चारों तरफ इस जंगल में बंदेव के पिताजी दादाजी के पास 10-12 पहाड़ थे। उन पहाड़ों में मिर्च, जीरा, शाही जीरा, इलायची की फसलों से करोड़ों कमाए। उनके पिताजी की मौत के बाद उनके भाई बहन कमाने के लिए लंदन अमेरिका चले गए। सिर्फ इस आदमी ने इस मिट्टी के लिए, इन पेड़ों के लिए, इन जानवरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। और ऐसे देवता आदमी को आप पागल बोल रहे हो? तुम कुछ भी कर लो, कोई नहीं सुनेगा। अब इंसान नहीं है। चले चलिए। आज शाम की इवेंट कितने बजे की? 4:30 बजे। मैं इसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, आप जाइए। ओके सर। सर आपकी सेफ्टी का सवाल। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। जख्मी शेर बहुत तड़प रहा है। 50 साल तक जंगल को बहुत आबाद किया, अब आराम करो। दिन में 3 बार गीली भात मिलेगी, चाट चाट के खा लेना, और फिर रात को सपने में बंदर बोलेगा और मोर नाचेगा। इसी तस्वीर को बार बार रिवाइंड करके देख लेना, अपने आप मर जाओगे। और इस बीच में ये कचरा तुम्हारा जंगल संभालेगा। सर, अरे ओके, कांस्टेबल पानी लेकर आओ।
Alex, yes, check for the doctor, please. Immediately. Okay, sir. Sir, come on, sir. Please. Sir. क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये लोग? शेर की चीखें सुनाई देनी चाहिए मुझे. Strong dose. Sir. किसका? संजीव बेस्टर पी. हेलो. हाँ सर, आई विल कॉल यू बैक. हाँ. ठीक. साहब. हाँ. एक दीवार की वजह से इतना कुछ हो जाएगा, मैं नहीं जानता था. सब गांव वालों का भी जीना हराम हो गया. सब अनाथ की तरह खड़े यहाँ थे. हमारे छोटू की याद दिला रहे. देखिए ना, बंदे भी शादी के चले गए साहब. तो दीवार तोड़ देते साहब. ए बारिगल, दीवार तोड़ देते साहब. दीवार तोड़ देते साहब. नहीं साहब, इसका हिसाब किया. साहब हिसाब तो कल ही कर दिया था सर. तो ये यहाँ क्या कर रहा है? बाहर निकालो इसको. सब सुनो ना, तो चलना मेरे साथ. अरे मुझे तो चल तो सही लगी थी. एक सब शंकर देख, ये सब भाजपा का नहीं है. ये गलत हो रहा है. कुछ नहीं, अरे वो गलत सही सोच रहा है. तेरा काम नहीं है, वो बड़े लोगों का काम है. सब छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं. तेरे पास का नहीं है. हाथी मर जाएंगे सब. सब दीवार तोड़ दे तेरे सब. हां तू चल. सब चलो ना सब. बात बात में मुझे दोस्त कहते थे ना साहब. हां चलो दोस्त के साथ दीवार तोड़ दे. ए चलो दोस्त. और तू हट. कॉर्पोरेट में ऐसे ही होता है. आप भी एफओ साहब, इसको ले जाओ. हाँ, मैं कुछ खाना वाना खिलाऊं. मेरी बात सुन. चलो देख, मेरी बात सुन. सवा हाथ पहाड़ पे चला जा. वहाँ छोटू के अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम कर रखा है. यहाँ रोने से बेहतर है वहाँ चला जा. देख शंकर, जो होना था वो हो गया. तू खाना वाना खा लेना, ठीक है? ₹10 लाख का भाव चल रहा है. उससे कम मैं नहीं लूंगा. नहीं नहीं, पहले भी तुमने ऐसे. ए शंकर, 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 सर शंकर. ओए जल्दी आओ इसे. ए ये बोलो सर, रुक जाओ. ए जल्दी आ करो इसे. सर सर सर, शंकर वहां पे क्या कर रहा है? ये नीचे उतर. चल नीचे उतर. नीचे उतर. हाथ छोड़ो. ए पकड़ो उसको, पकड़ो. नीचे ला लाओ. ए भाई क्या प्रॉब्लम? छोड़ मत, गोली मारो उसे. भाग गया, भाग गया. क्या सर, आप भी उसको मारने के बदले चिड़िया को मार रहे हो? हमारी मुसीबतें कम करने के बजाय आप तो बढ़ाते जा रहे हो. आजा. एक तो गांव वाले पहले से ही नाराज है, ऊपर से अब ये भी. मिनिस्टर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया. अरे क्या छोड़ दिया, अभी अभी मिनिस्टर साहब आके चार अच्छी बातें बोलकर गए थे. सब बिल पास हो गए थे, सबको पैसे मिलने वाले थे. सब बर्बाद कर दिया आपने. और ये जो पुलिस वाला जोश अब दिखा रहे हो गांव वालों पे, मीडिया सब देख रही है. कपड़े फाड़ देगी, समझे? कैसे फाड़ेगी? माओ शंकर और उसके साथियों ने, उन्होंने मिलकर पुलिस पे हाथ उठा के एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर को मारकर गांव में छुप गए. उन्हें पकड़ने के लिए एसपी अर्जुन पांडे गांव की तरफ निकल चुके. अरे ऐसे कैसे लिख देगी? और क्या माओ इस महावत है वो? और कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सा सब इंस्पेक्टर, किसको मारा? कहाँ था मैं? सर आप कह रहे थे कि एसपी अर्जुन पांडे गांव की तरफ निकल पड़े और आतंकवादियों को उनको पकड़ कर. जो प्यार कहानी है तो उसको फॉलो करना. एक कहानी खत्म करके दूसरी कहानी फॉलो करने के लिए कह रहा. कमाल का आदमी है, कमाल की एंट्री है. अरे क्या था कमाल की एंट्री? अपने ही डिपार्टमेंट की बंदूक से अपने ही लोगों को मार दिया.